योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। इस दिन योगी आदित्यनाथ 70,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1761 नए मामले सामने आए, वहीं 127 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कल कोरोना के 2075 केस दर्ज किए गए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की रविवार को सीएम भगवंत मान के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला। बता दें पुतिन ने न्यूक्लियर वॉल ड्रिल के आदेश दिए हैं, वहीं परिवार को साइबेरिया भेजा जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो कशिदा ने की पीएम मोदी से मुलाकात, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब वो पल दूर नहीं जब फिल्म की कमाई 150 करोड़ पहुंच जाएगी। द कश्मीर फाइल्स को मिल रहा है जबरदस्त प्यार और ये फिल्म हर रोज नया इतिहास लिख रही है। दिल्ली में लगातार गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। बता दें भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है कि रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 76 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनावों के लिए अपने 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे की 76 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मिली करारी हार को लेकर चिंतित बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से कटार तैयार करने में जुट गई है। वही यूपी के प्रमुख पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अब वो जल्द ही इस महीने यूपी संगठन की अहम बैठक करने जा रही है। बता दें वो इस बैठक में कई बड़े ऐलान भी करेंगी। प्रदेश के प्रमुख पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेदारी ले सकती हैं। पीलीभीत में बदमाशों ने लाठी डंडे और हथियार से महिला और बुजुर्गों पर सरेआम लाठियों से हमला कर दिया। हमलों में दर्जनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं इस पूरे मामले में वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फरुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में बाइक चोर को बाइक की मालिक और होमगार्ड ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर धुलाई कर दी, बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में मामूली विवाद में दबंगों ने शराब के नशे में घर में घुसकर एक महिला सहित 5 लोगों की मारपीट कर दी, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।